नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। और बड़ी खबर आपको बता रहे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी 2023-24 का बजट। आर्थिक सर्वे में विकास दर 6 से 6.8% रहने की उम्मीद है। तो मिडिल क्लास के लिए बजट में बड़ा ऐलान संभव है। इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव हो सकता है। 5 लाख हो सकती है इनकम टैक्स छूट की सीमा। न्यूज स्टेट पर लगातार बजट की महा कवरेज जारी रहेगी। उम्मीदों का बजट आज पेश होने वाला है। मिडिल क्लास को तोहफा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और इनकम टैक्स की जो सीमा है उसमें 5 लाख तक की छूट संभव हो सकती है। एक फरवरी यानी आज देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। इसे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे और सुबह 11 बजे से बजट से संबंधित भाषण शुरू होगा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी। एक फरवरी को देश का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तमाम तैयारियों के बाद लोकसभा में बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। ऐसे में बजट से हर सेक्टर की खास उम्मीदें जुड़ी हैं। बजट से लोगों को क्या क्या उम्मीदें हैं? महंगाई मार से राहत की उम्मीद, नौकरी पेशा वर्ग को टैक्स में छूट की उम्मीद, गैस के दाम हो कम, सीनियर सिटीजन को है छूट की आस, महंगे लोन से राहत, किसानों को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने की उम्मीद, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, रोजगार के मौके और सैलरी बढ़े, एजुकेशन लोन सस्ता हो, किफायती दर पर यात्रा हो। वही अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, जिसको देखते हुए मौजूदा सरकार का प्रयास भी देश के आम से लेकर खास शख्स को खुश करने का होगा। बजट इस समय सबके घर का फेल हो चुका है। कारण यह है कि महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आम आदमी पूरी तरह से त्रस्त हो गया है। पहली बात तो सरकार को महंगाई पे इस पे रोक लगाने के साथ साथ अगर हम बात करें तो जो व्यापार है, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो भी टैक्स लगाए जा रहे हैं उस पे भी थोड़ी सी कमी करनी पड़ेगी। पेश होने वाले बजट से गृहिणियों की क्या उम्मीदें रहने वाली है? डीजल का कुछ ध्यान रखकर कम किया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन सेवा थोड़ी सस्ती होगी, उससे पब्लिक को राहत मिलेगी। की महंगाई को मतलब कम करें, एलपीजी गैस है और घर के मसाले हैं और सब्जियां हैं, इन पर सब महंगाई जो बढ़ रही है उसको कम करें। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बजट में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा देने की अपील की है। बजट पर मैं कहना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए एजुकेशनल जो रियायत होनी चाहिए वो थोड़ी मिले। मैं ये मांग करना चाहती हूँ, चूंकि लड़की हूँ, जो लड़कियाँ यू नो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं उतने फी में पढ़ाई करने का, वो उन्हें कम में मिले। इस वजह से बजट से काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। बजट में आम आदमी के लिए क्या कुछ खास होने वाला है, इसे लेकर तो चर्चा चल ही रही है। इस बार बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ साथ बजट में कई पहलुओं पर राहत की उम्मीद लगाई जा रही है। आज बजट पेश होने वाला है, उससे पहले सभी लोगों की उम्मीदें बजट से हैं और ऐसे में कोचिंग सेंटर संचालकों का बजट को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं। बजट को लेके तो काफ़ी उम्मीदें हैं, स्टूडेंट्स भी काफ़ी उससे देख रहे हैं बजट को, क्योंकि रीज़न क्या है कि बजट में अभी क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आ गई है तो वहां पे वोकेशनल एग्जिट दिया गया है, तो बजट में अभी 1.7% ऑफ जीडीपी दिया गया था, पहले था, अब 3% तक हो गया है और काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज में 6% ऑफ जीडीपी चल रहा है एजुकेशन के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं वो देख रहे हैं कि इस बार शायद ज़्यादा रेशियो आए एजुकेशन के लिए। सबसे पहले तो जो टैक्स स्लैब पिछले 8 से 9 सालों में जो चेंज नहीं हुआ, जब 2.5 लाख से 5 लाख हुआ था, तो टैक्स स्लैब जो है उसमें थोड़ा सा परसेंटेज अभी 5% का उसमें क्लॉज है कि 5% टैक्स पे करते हैं 2.5 लाख से ऊपर इनकम वाले। तो अगर गवर्नमेंट टैक्स स्लैब वही रखती है लेकिन टैक्स रेट थोड़ा सा कम होना चाहिए या फिर टैक्स स्लैब को थोड़ा सा बढ़ाए। एक तो जो टैक्सेस है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोअर फैमिलीज भी हैं, मतलब खाने के लिए इतनी प्रॉब्लम से तो पढ़ाई में वो कैसे कर पाएंगे, तो उनके लिए जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए। एजुकेशन में सर देखिए, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एक जो मिडिल क्लास फैमिली है हमारी,
उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों के एजुकेशन के लिए, लाइक फीस है, लाइक उसकी स्टेशनरी है, लाइक उसको ऑनलाइन स्टडी करनी है, कुछ भी करना है, तो अगर जीएसटी अगर उस पर कम हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर एजुकेशन में कुछ रिबेट मिल जाए, जैसे जो बिजनेस करते हैं, मान लीजिए अगर हमें कोचिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो हमें जीएसटी वगैरह भी फिल करनी होती है, उसमें अगर रिबेट मिल जाती है फायदा है। एजुकेशन को लेकर के मैं यही कहूंगी, जो लोग थोड़ा लो फैमिली है, जो कि मतलब इतना पे नहीं कर सकती, फीस नहीं पे कर सकती है, तो सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि एजुकेशन को लेकर के फीस को थोड़ा कम कर दें वो, ठीक है। तो केंद्र सरकार का बजट आने वाला और इसको लेकर किसानों की क्या उम्मीदें हैं, सुनाते हैं आपको। भारत सरकार का रवैया उदासीन है और किसान की हालत बहुत खराब हो गई है। खेती घाटे का सौदा हो गया, खेती आज हम लोग करना नहीं चाहते, मजबूरी में करनी पड़ रही है, क्योंकि गन्ने का ये हाल कर दिया इन लोगों ने, पिछले साल के बकाया अभी भी फैक्ट्रियों पे बकाया है, कोई रेट नहीं बढ़ाया गया। और भारत सरकार को अगर इसे खेती को और किसानों को बचाना है तो चीनी के दो रेट करने पड़ेंगे, डोमेस्टिक और कॉमर्शियल, और ये हो जाएगा तो ना इस बार बजट में कुछ ऐसा हो सकता है, करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने तो किसान को बिल्कुल आजाद कर दिया, बड़ा उसकी आय दुगनी कर दी, लेकिन आय दुगनी के बजाय ये तो किसान तो बिल्कुल धरातल पे चला गया। लोग जुड़े उनसे राय मशवरा लेके सभी फसलों का, मैं गन्ने की बात नहीं कर रहा, गन्ना आलू धान गेहूं सब का लाभकारी मूल्य किसान को दिया जाए। पिछले 50 साल से प्रश्न खड़ा है, आज तक कोई सरकार उसको हल कर नहीं पा रही। चौधरी अजीत सिंह ने चरण सिंह जी के जमाने से ये सवाल खड़े होते रहे, गन्ना किसान आप हड़तालें करता है, मांग करता, आज तक गन्ने का मूल्य न डले, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। सरकार किसान को देना क्या चाहती है, तो इसलिए फसलों किसान जो लागत मूल्य है उसके अनुसार दे, और खेती पर बजट बढ़ाया जाए, ये भी हमारी मांग है। तो आज बजट पेश होने वाला है, लगातार न्यूज स्टेट पर यह महा कवरेज जारी है, हर एक अपडेट बजट से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी निखिल इस वक्त हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। निखिल, आपके पास आएंगे, इस बार के बजट से लोगों को बेहद उम्मीदें हैं, और कहीं ना कहीं हम मिडिल क्लास की बात करें तो सबसे ज्यादा उम्मीदें उन्हीं को होती हैं कि क्या सस्ता क्या महंगा होने जा रहा है। लखनऊ के लोगों से आपने बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना है, क्या उनकी आशाएं हैं? देखिए, लखनऊ की अगर बात करें तो खास करके जो मिडिल क्लास का स्ट्रक्चर है उसको ये बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, एजुकेशन सेक्टर में उम्मीदें हैं, तो दूसरी तरफ उसको जो है व्यवसायिक जो है सेक्टर में उम्मीदें हैं। लोगों को ये लगता है कि जो मध्यम वर्गीय जो है व्यवसायी है उनको टैक्स में काफी फायदा मिलेगा, जीएसटी की दरों में कमी होगी, इसके साथ ही जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके टैक्सों में कमी होगी, शिक्षा के क्षेत्र में जो टैक्सेस लग रहे हैं उनमें कमी होगी, ताकि आम जो जनजीवन है वो आसानी से चल सके। देखिए, देश में महंगाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और अगर जब मध्यम वर्गीय के लिए टैक्सों में रिबेट मिलेगी, उनको तमाम चीजों का फायदा मिलेगा, तो उसे इससे लड़ने में आसानी होगी। कोरोना काल के बाद अगर हम आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी स्थितियां काफी खराब हो गई, चाहे व्यवसायी थे चाहे वो आम लोग थे, धीरे धीरे उनकी स्थितियां आप सुधर रही हैं, तो ऐसे में अगर इस बार बजट पर अगर उन पर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उन पर भार बढ़ा दिया जाएगा तो उनकी स्थिति फिर एक बार खराब हो जाएगी। तो सरकार को एक बूस्टर के तौर पर काम करना होगा, मध्यम वर्ग को खास करके जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर वर्ग माना जाता है उसको जो है वो एक रियायत देनी होगी, ताकि वो मजबूती के साथ देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। किसान हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, किसानों को लेकर भी सोचना होगा, किसानों को किस तरह से फायदा इस पूरे बजट में पहुंचाया जाए। हालांकि सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज को देखते हुए बहुत सारे फैसले लिए होंगे, लेकिन ये फैसले क्या होंगे, आम लोगों के लिए कितने फायदेमंद होंगे, इसका जब बजट आ जाएगा तब इसकी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जो है वो इस बजट की तरफ आके खोले बैठा हुआ है कि कब बजट जो होगा वो किस तरह का ढांचा होगा, उसका किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इसका ऐलान होगा, और उसके लिए इस बजट में क्या होगा। तो चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ शिक्षक हो या छात्र हो, सबको इस बजट से एक बड़ी उम्मीदें हैं, और बजट के ऐलान के बाद सारी स्थितियां साफ होंगी। जी निखिल, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय रत्न और आभूषण सेक्टर की अगर हम बात करें तो उस पर इम्पोर्ट जो ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं कम कर सकता है, ऐसी आशा जताई जा रही है बहुत सारे
लोगों का कहना है, अर्थशास्त्रियों से जब हमने बातचीत की, इससे कहीं ना कहीं गोल्ड जो है वो सस्ता हो सकता है, जो रत्न है आभूषण है वो कहीं ना कहीं सस्ते हो सकते हैं, ऐसी आशा जताई जा रही। देखिए बिल्कुल इसका फायदा भी मध्यम वर्ग के लोगों को मिलेगा। मध्यम वर्ग के लोग जो है, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र में हो सोने के, चाहे वो लोग हों, सबको इसका फायदा मिलता है अगर चीजें कम होती हैं। पूरे अगर हम बजट की बात करें तो बजट में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आम आदमी इस तरफ देखता है कि महंगाई किस तरफ जा रही है, उसे किस तरह की राहत मिल रही है, और पूरी उम्मीदें उसी महंगाई को लेकर उसकी टिकी होती हैं। एक आम आदमी आमतौर पर अगर 50,000 रुपए सैलरी पाता है तो जो महीने के आखिरी में उसकी सेविंग क्या होती, यही इस बात का स्ट्रक्चर होता है कि वास्तविकता में जो देश का बजट है वो उसे कितनी राहत पहुंचा रहा है, वो उसके लिए कितना है। अगर उसकी सैलरी से कुछ पैसे उसके पास बचते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, बाकी किसी तरह के खर्च के लिए, बड़े स्ट्रक्चर के लिए, तो ये समझ में आता है कि बजट जो है कम से कम उसके लिए बहुत बेहतर है। अब ये बजट किस तरह का होगा, पिछले 3 सालों में अगर हम बात करें तो आमतौर पर लोगों को कोरोना की वजह से काफी समस्याएं झेलनी पड़ी। अब कोरोना संक्रमण की स्थिति खत्म हो गई है, देश का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, आर्थिक तौर पर देश मजबूत हो रहा है, तो ऐसे में देश में रहने वाले लोगों के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। और जैसे मैंने बताया कि पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है वो आंख खोलकर बैठा हुआ है और बजट का इंतजार कर रहा है कि कब बजट का ऐलान होगा और इसमें उसके लिए क्या होगा। जी बिल्कुल निखिल, जैसे आपने अपनी बात की शुरुआत जब की थी तो आपने किसानों का जिक्र किया था। भारत चूंकि मुख्यतः कृषि प्रधान देश ही है और किसानों की बात सबसे ज्यादा इस वक्त उठकर सामने आ रही है। न्यूज स्टेट ने भी बहुत सारे किसानों से बातचीत की, उनका मोस्टली यही कहना है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो खाद है और जो कीटनाशक है, कहीं ना कहीं वो सस्ते होना चाहिए जिसकी वजह से लागत थोड़ी सी कम हो और आमदनी बढ़ सके। इसको क्या इस बजट में समायोजित किया जा सकता है? देखिए दो बातें उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश एक तो आम फसलों का इलाका है, दूसरी तरफ जो है गन्ना का एक बहुत बड़ा इलाका है। तो दो चीजें अगर सरकार ध्यान देती है तो किसानों का काफी फायदा होगा। एक जो किसान इस बात की मांग कर रहे थे कि डोमेस्टिक और कमर्शियल दो तरह का सुगर का रेट हो, ताकि हाँ। जो आमतौर पर लोगों को घरों के लिए सुगर खरीदी जाती है उसका रेट अलग हो और सुगर का रेट अलग हो। इसके साथ ही अगर फर्टिलाइजर की बात करें, अगर फर्टिलाइजर की कीमतों में कमी होगी, उनकी कीमतों पर सरकार का कंट्रोल होगा और उसके साथ ही सरकार उसमें कोई एक बहुत बड़ी राहत किसानों को देगी तो फसलों की कीमत कम आएगी। और दूसरी तरफ जैसे मैंने सुगर का उदाहरण दिया, फसलों की कीमत बढ़ेगी तो लागत कम होगी, कीमत बढ़ेगी, तो ऐसे में जो किसानों का ढांचा उत्तर प्रदेश का है वो सुधरेगा। और निश्चित तौर पर अगर किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो पूरे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, पूरा प्रदेश सुदृढ़ होगा, और ये सबसे महत्वपूर्ण किसी भी बजट में ये फैक्टर होता है। तो ये देखना होगा कि किसानों के लिए किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसमें किसानों को किस तरह से राहत मिलेगी, थोड़ा इंतजार करना होगा, उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद निखिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। किसान नेता भानु प्रताप ने किसानों के लिए 50% बजट की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन करने की धमकी भी दी है। कृषि प्रधान भारत की सरकार बजट पेश कर रही है, ओर से बजट पेश होते रहे हैं, हम देखते रहे हैं कि 80% किसानों के लिए 3%, 3.5%, 4% बजट लाया जाता है और 15% उद्योगपतियों को सारा बजट दे दिया जाता है। बजट पेश हो उसमें भानु प्रताप सिंह की मांग है कि कम से कम 50% धन किसानों के लिए दिया जाए, नहीं तो फिर आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। फिलहाल एक ब्रेक का फौरन लौटेंगे।